यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इसको लेकर अब कई देश रूस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। तो अमेरिका का दावा है कि वो और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में भारत की भूमिका का अमेरिका स्वागत करेगा। व्हाइट हाउस में प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि हम निश्चित रूप से तनाव कम करने के किसी भी प्रयास का स्वागत करते हैं और इस पर कई सहयोगियों और भागीदारों के संपर्क में हैं, लेकिन मेरे पास भारतीय अधिकारियों से संबंधित कोई विशेष बातचीत नहीं है। हम निश्चित रूप से डीएस्केलेट करने के किसी भी प्रयास का स्वागत करते हैं। भारत ने अब तक यूक्रेन मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन मामले में दोनों पक्ष भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में नई दिल्ली जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती। भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने समीकरण को खतरे में नहीं डालना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत को इस बात का पता है कि पश्चिमी देशों से जारी रार के बीच मॉस्को बीजिंग से मजबूत संबंध बना रहा है। ऐसे में भारत सभी पक्षों को देख रहा है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारत के लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। भारत के लोगों से कहा गया है कि वे दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म को भरें। इस रजिस्ट्रेशन से किसी भी आपात स्थिति में मदद करने में दूतावास को आसानी होगी। दूतावास ने कहा कि वह स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और भारतीय नागरिकों से अपडेट के लिए लगातार अपनी वेबसाइट को फॉलो करने के लिए कहा है। भारतीय नागरिकों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने और तेजी से सूचना पहुँचाने के लिए भारतीय दूतावास कीव स्थित भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे फॉर्म भरें। इनमें वर्तमान में यूक्रेन में मौजूद छात्र भी शामिल है। खैर, रशिया यूक्रेन विवाद बढ़ता जा रहा है और दुनिया को आशंका इस बात की है कि कहीं ये विवाद रूस बनाम अमेरिका और पश्चिमी देशों का ना हो जाए। ये आशंका गलत भी नहीं है। पहली नजर में तो यही नजर आता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से अमेरिका और नाटो को दूर रखना चाहते हैं। इसके लिए यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। 8 साल पहले वो उनके क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की मुश्किल ये है कि वो रूस के साथ सोवियत संघ जैसे दौर में लौटे या फिर अमेरिका और यूरोप के साथ चले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।